राम राम भाई हो। डेली लाइव वाले प्रोग्राम भाई शूट डायरेक्ट वॉलीबॉल शूटिंग पेज पर चला रखा है, उसमें आज भाई अपने भद्रगढ़ से दिनेश छिल्लर आओगे भाई। आज भैया का थोड़ा 5 सेकंड का और टाइम देना चाहूँगा, एक छोटी सी बात के जो गेम के लिए थी वो कहना चाहता, तो गेम से रिलेटेड एक छोटी सी बात कहनी थी। एक तो भाइयों को उसी से जो मैंने कई कर ली कहेंगी सारे भैया तो यह कहूँ हूँ भाई, जो होम ग्राउंड पर गेम खेल लो ना उन्हें 6 खिलाड़ियाँ खेलने की कोशिश करो। जब होम ग्राउंड पर 6 के खिलाड़ियाँ गेम चलेगा ना तो ऑटोमेटिक है कि गेम में तेजी आओगी। ब्रश से हो जाए हम ग्राउंड पर खेला साथ साथ खिलाड़ी, फिर टूर्नामेंट में अगर 6 करानी है सोचे हैं तो फिर नहीं मानना भाई हम ग्राउंड पर खुद खेलते नहीं साथ 6 खिलाड़ी तो कितने बढ़िया ना खेल जाता। तो थोड़ा सा कल विकास भाई जैसे कह रहे थे भाई कि एक खिलाड़ी कम हो जाएगा, वो ठीक बात उसकी भाई एक खिलाड़ी कम हो जाने में 30 खिलाड़ी कम हो जाए, पर उसका हम दूसरा बेनिफिट ये भी देख सका भाई जो खिलाड़ी दूर से टीम ले कर आओ है कि एक गाड़ी में 7 जने आओ 8 जने दुखी हो गए हैं, तो उस चीज़ का भी थोड़ा नुकसान रहे। 6 खिलाड़ी होने में ये बेनिफिट हो है भाई कि आराम से गाड़ी में एक मास का आदमी जिससे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरा ये भी है भाई जो टीम अब ज़्यादातर जैसे पंचायती होती है फिक्स सेट से होते हैं तो कई बार खिलाड़ी ज़्यादा हमारे पास मात्रा में नहीं हो पाते, किसी पर टीम के पास 5 खिलाड़ी परमानेंट है, किसी के पास 6 खिलाड़ी, किसी के पास 4 खिलाड़ी जो परमानेंट बाहर जाने योग्य होते हैं क्योंकि यार कोई टूर्नामेंट में बाहर नहीं जा सकता। तो उस स्थिति में भी ये भी बेनिफिट रह सकता है भाई, जैसे 4-5 खिलाड़ी तो हो सकते हैं एक जगह के, एक खिलाड़ी बाहर का हो जाए तो उसमें 6 खिलाड़ियों में टीम की मजबूती बढ़िया हो जाती है एक टीम की बढ़िया। जैसे भाई आपने सुना के रच रहा है भाई और एक भाई दूसरी बात जो अपने फेडरेशन में भी कोशिश करेंगे करने की टाइम बेस्ड इस गेम को बनाने की, क्योंकि भाइयों जैसे 15 पॉइंट का मैच है कई बार ये अंडर एंड में 2.5-3 घंटे एक मैच चल जाता है, और टूर्नामेंट के लिए से अगर एक मैच 2.5-3 घंटे में ख़त्म होता है ना और 2-3 मैच अगर बढ़िया चल जाए तो मान लो बहुत लंबा टाइम मतलब टाइम ख़राब हो जाता है उससे। तो रिक्वेस्ट है भाइयों से अगर आप जो होम ग्राउंड पे मैच खेलो ना, मैं किसी से या मतलब स्पेशली नहीं निकलता भाई, तुमने खेलना ही खेलना है, आप एक मतलब प्रयोग करके देखो भाई एक मतलब 20-2-20 का इस तरीके से एक दो मैच लगा के देखो ग्राउंड पे, उसमें आपने क्या नतीजा रहे मतलब उसमें हम जो 20-2-20 में जिसके ज़्यादा पॉइंट हो गए वो टीम जीत जाएगी। तो एक दो गेम आप खेल कर उसके बाद थोड़ा प्रतिक्रिया दियो मेरे तय अगर भाई हमने मज़ा आया कि नहीं आया, क्योंकि जो टूर्नामेंट हम करवा हो ना अगर हम उसको एक टाइम वेस्ड कर देना भाई हमने 40 टीम आ गई इस तरीके से ये 30-30 मिनट के मैच कर लिया, टीम ज़्यादा हो जाए तो 30-30 के कर लिया, या फिर अगर कम हो तो 40-40 मिनट का मैच हो जाए एक, तो उसमें हमारे पास एक टाइम फिक्स हो जाएगा भाई इस टाइम तो हम टूर्नामेंट ख़त्म कर सका। हाँ क्योंकि जो पॉइंट बेस्ड है ना उसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होता भाई हमें नहीं पता कौन सा मैच कितना टाइम तक चल सकता है, बढ़िया टीम के साथ मैच अगर हो गया ना 2.5-3 घंटे तक मैच नहीं ख़त्म होता, उसमें तो यह भी हो जाए जैसे एक बार यहाँ पटौती टूर्नामेंट में 15 मिनट तक बॉल नीचे ही नहीं गिरी थी, तो मतलब हद है तो 15-15 मिनट अगर बॉल नीचे नहीं गिरेगी तो 2.5-3 घंटे तो एक मैच नॉर्मल हो जाए तो बढ़िया मैच है, तो उसका ये है भाई अपना 40 मिनट का मैच है दम बढ़िया टीम का आपस में मैच होगा तो दम लगा के लगी टीम उसमें फिर कोई ना तो स्लो कर सकता गेम ने, क्यों जो आगे है टीम है वो रिलैक्स नहीं हो सकती भाई ये हम तो जीत जाएंगे, क्योंकि उसमें तो पीछे टीम रहेगी वो फिर जोर लगाओगी तो उसमें फिर ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेंगे चांस बढ़ देंगे। जैसे भाई या थारी भी एक
रिक्वेस्ट, अगर आप भी एक दो मैच खेल कर फिर रिस्पॉन्स बताइयो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं भाई, आम आदमी सोचते हैं भाई हम इतने साल देने में खेल ना करें हैं, अगर हम बदलाव करा और मान लो वो खेल के लिए फ़ायदेमंद हो जाए तो उसमें नुकसान क्या है। कई भाई ने सोचा भाई इतने साल देने में खेल ना करें, क्यों बदलाव तो हमें हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, अगर हम उसको करेंगे और उसका हमें बढ़िया बेनिफिट मिलेगा तो सबके लिए बढ़िया हो सकता है। बाकी हमारे यहाँ अगर मान लें कोई भी हम आगे टूर्नामेंट जैसा भी होगा छोटा मोटा करवाएंगे तो कोशिश ये रही हम टाइम वेस्ट यही करवाएंगे ताकि दर्शकों को भी पता चले भाई इस फॉर्मेट में अगर टाइम वेस्ट करवाएंगे तो मज़ा दर्शकों ने भी आओगा, क्योंकि भाई किसी को इतना टाइम ना है 3-3 घंटे एक मैच देख लेगा, लाइव में भी नहीं दे सकता और वैसे भी नहीं, आधा घंटा अगर हमने पता ही इस टीम का मैच इसके साथ है आधा घंटा हम देखने में लाइव में कोई हरकत नहीं आओगी, बढ़िया लग देखा राजी हो गए। अरे न्यू बेरा भाई यू मैच 3 घंटे चल रहेगा भाई, 3 घंटे कोई नहीं देख सकता लाइव पे। राम राम मंटी भाई। तो रमेश शर्मा जी कोशिश करियो एक बार, अगर आप भी हो जाते हो एक दो मैच खेल कर उसका थोड़ा सा फिर बताइयो कि क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस मैच जैसे ये कोरोना टाइम में हमने खेल कर देखे दो मैच, वाकई में बहुत मज़ा आया, क्योंकि उसमें आखिर तक ये नहीं रहता कि भाई कोई टीम निश्चिंत हो जाती है, अगर मान लें 2 पॉइंट का ही फर्क है ना तो फिर जोर लगा के मतलब बहुत मतलब नहीं कह रहा एनर्जी 100% से भी 150% लगा खेल रहा खिलाड़ी, तो उसमें वाकई मतलब मज़ा आता है। तो कोशिश करियो भाई एक बार खेल कर थोड़ा रिस्पॉन्स बताइयो, और कोशिश 6 खिलाड़िया की भी ये निवेदन है भाई अपने होम ग्राउंड पर कोशिश करो खेलने की। तो 4 बजे ही भाई दिनेश छिल्लर जी आएंगे, आप उनसे अपने सवाल जवाब रख सकते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट से जो मुहिम चल रही है उसमें कल जहाँ तक मेरी उम्मीद है भारत यादव है भाई रेवाड़ी से, तो उनको लाया जाएगा। तो भाई सारे भाइयों ने राम राम, धन्यवाद।